केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा, सीएम उद्धव ठाकरे का घर अवैध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने महाराष्ट्र के सभी विधायकों को लिखा ओपन लेटर, राज्यसभा चुनाव के लिए मांगा समर्थन। मुंबई में अब विदेश जाने वाले यात्री दूसरा खुराक के 3 महीने बाद ले सकते हैं प्रिकॉशन डोज, बीएमसी ने जारी किए निर्देश। अन्ना हजारे फिर करेंगे आंदोलन, कई राज्य के सीएम के खिलाफ फूका विगुल, कहा 12 बार पत्र लिखा फिर भी नहीं मिला जवाब। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह बोले, राज ठाकरे अयोध्या पहुंच गए तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कहा, महिला पर हाथ उठाने वाले किसी भी पुरुष का हाथ तोड़ दूंगे, विपक्ष ने किया पलटवार, कहा सभी मामलों में हो ऐसा ही रुख। पहली बड़ी खबर ज्ञान वापी से है, ज्ञान वापी मामले में सुनवाई पूरी, कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है, मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मिला। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं में झड़प, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले जो भी दोषी होगा उस पर होगी कानूनी कार्रवाई, भाजपा का पवार पर निशाना। पुणे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक कार्यक्रम में राकांपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू पक्ष की मांग, शिवलिंग तक पहुंचने के लिए हटे मलबा, मस्जिद का दरवाजा भी खोला जाए। कांग्रेस का हार से सभा, कब चुनाव से पहले जनता का मूड भापने में जुटेगी कांग्रेस पार्टी, हर सीट पर होगी कांग्रेस दूत की नियुक्ति। केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की है, केंद्र सरकार के इस फैसले से निर्यातकों को कुछ राहत मिलेगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक के 10 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों पर तलाशी जारी। लोंगेवाला युद्ध के हीरो कर्नल धर्मवीर का सोमवार को गुरुग्राम में निधन हो गया, उन्होंने 1992-94 में 23 पंजाब बटालियन की कमान संभाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी, धर्म संसद में दिया था विवादित बयान। भारत ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, कहा जम्मू कश्मीर परिसीमन पर प्रस्ताव हास्यपद, अंतरिम मामलों में दखल ना दे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टली, अब 24 मई को सुनवाई होगी। मौसम विभाग ने कयास लगाया कि 6 जून तक मुंबई में मानसून दस्तक दे सकता है, हालांकि अभी तक बीएमसी ने मुंबई में नाले सफाई का काम पूरा नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में अभी तक सिर्फ 39% काम पूरा किया गया है नाले का। सांसद ब्रिजभूषण सिंह को मिला जनता दल यूनाइटेड का साथ, जब से मंत्री प्रमुख राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे का ऐलान किया तब से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने पहले ही चेतावनी दी है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें अयोध्या में पैर रखने नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी की समस्याओं को सुनने के लिए हर पुलिस स्टेशन में होगा एक नोडल पुलिस अधिकारी। मुंबई में सोसाइटियों की शिकायतों पर कई बार पुलिस कोई खास काम नहीं करती है, लिहाजा अब इससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। मुंबई में मिली नकली नोट की खेप, मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने नकली नोट रैकेट की छपाई और बांटने में कथित रूप में से शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में 6 जून से बारिश की संभावना, मुंबई में इस बार बारिश के जल्द आने की आशंका है। मौसम विभाग ने 6 जून को मुंबई में बारिश की संभावना जताई है। अंडमान में सोमवार से मानसून की शुरुआत हो गई है। 31 ट्रेनों के निरस्त होने से दिल्ली मुंबई वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज रेलवे प्रशासन ने गोंडा स्टेशन पर हो रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्यों की वजह से करीब 31 ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला किया है।